दीनदयाल नाम का एक बूढ़ा किसान था। दीनदयाल बूढ़ा होने के बावजूद खेत में दिन भर मेहनत करता। कभी कभी दीनदयाल की मदद उसकी पत्नी बरखा किया करती। दीनदयाल के दो जवान बेटे थे, भुवन और धवल। दोनों सिर्फ खाना खाने के वक्त दिखाई देते। बेटा भुवन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे खेत का काम नहीं होता, क्यों ना तुम मेरी मदद कर दो। बाबा, मुझे दिन भर खेत में पसीना बहाने का कोई शौक नहीं, आप धवल से कहिए, वो आपकी मदद करेगा। भैया, अगर आपको काम नहीं करना तो सीधे मना कर दीजिए, सब मुझ पे क्यों लाद देते हो। मैंने कहा तुझ पे कुछ लादा, अभी तो आपने बाबा को मुझे खेत में काम करने के लिए जाने को कहा। तो क्या हुआ, तू भी मना कर देना। वो तो मैं करूँगा ही, पर आप ऐसा मत किया करो। चुप बैठो दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो, तुम दोनों को तो सिर्फ मौका चाहिए झगड़ने का। दोनों भाई शांत होके खाना खाने लगे और दीनदयाल और उसकी पत्नी निराश हो गए। भुवल और धवल खाना खाके निकल गए। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं क्या करूं? आप ही ने इन्हें बिगाड़ दिया है। मैं ना कहती थी कि इन्हें बचपन से ही काम काज सिखाइए, अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जब तक बन पड़ेगा हम इन्हें पाल लेंगे, फिर तो ये अपनी रोटी खुद ही ढूंढ लेंगे। शायद। दीनदयाल और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर निराश थे। अगले दिन सुबह दीनदयाल खेत के लिए निकल गया और फिर बरखा अपने बेटों के पास गई। अरे, तुम दोनों कुछ काम करोगे या सिर्फ खाते ही रहोगे? इतने बड़े हो गए फिर भी कुछ नहीं करते, थोड़ा अपने पिताजी का हाथ बटा लोगे तो क्या घट जाओगे? देखो तो, वो दिन भर खटते रहते हैं ताकि तुम दोनों खा सको, और एक तुम हो जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। दोनों के दोनों निकम्मे हो। माँ की जली कटी का भुवल और धवल पे कोई असर नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए और दीनदयाल की तबीयत खेत में काम कर करके खराब होने लगी। वो फिर भी दिन में खेत में काम करता और शाम होते ही खांसते खांसते घर लौटता। अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो, देखो तो क्या हालत बना ली है अपनी। अगर तुम ही बीमार हो जाओगे तो घर कैसे चलेगा, इतना काम मत करा करो। बरखा ने दीनदयाल को बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी सेवा करने लगी। इस बार दीनदयाल की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, पर उसे सिर्फ अपने निकम्मे बेटों की चिंता सता रही थी। वो सोचता, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दोनों क्या खाएंगे, इन्हें तो खेती भी करना नहीं आता। मेरी तबीयत तो इनके बारे में सोच सोच कर ही ज्यादा खराब हो रही है, पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। एक दिन बीमार दीनदयाल से मिलने उसका मित्र रामकृष्ण आया। ये क्या भाई, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। अब उम्र भी हो गई है तो तबीयत थोड़ी तो खराब रहेगी ना। ये उम्र की वजह से नहीं, इसकी वजह है क्षमता से अधिक तुम्हारी मेहनत। अब घर चलाना तो पड़ेगा ही ना। क्यों, अब भी तुम्हारे निकट्टू बेटे काम नहीं करते? समझ गया, तुम एक काम करो। रामकृष्ण ने दीनदयाल के कान में कुछ कहा और फिर दीनदयाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फिर रामकृष्ण वहां से चला गया। दीनदयाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया
तुम दोनों हमेशा सोचते हो ना कि मैं खेत में इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? तो सुनो, हमारे खेत में एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। खजाना? खजाना? हाँ, खजाना। ये मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। मैंने पूरी जिंदगी उसे खोजने की कोशिश की, पर ढूंढ नहीं सका। शायद तुम दोनों को मिल जाए। दीनदयाल की बातें सुनकर भुवल और धवल ने खेत खोदना शुरू किया। कई दिनों तक वो दोनों खेत खोदते रहे, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। भैया, खजाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब इतना खेत खोद दिया है, इसका क्या करें? तभी उनकी माँ दोनों के लिए खाना लेके आई। अब जब खेत खोद ही दिया है तो बीज भी बो दो, कम से कम अनाज ही उग जाएंगे। दोनों ने माँ के हाथों से खाना खाया और फिर खेत पे बीज बो दिए। फिर बारिश आई और उनके बीज को अंकुर फूटे। देखते ही देखते अंकुर धान में बदल गए और अब दोनों भाई अपने खेत को देख रहे थे। भैया, खेत में तो धान उग गए हैं। हाँ, फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है। चलो इन्हें काटते हैं। दोनों भाइयों ने फसल काटना शुरू किया और सारा धान काट के उन्होंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। दोनों भाई मिले हुए पैसे देख बहुत खुश हुए। देखो, हमने कितने पैसे कमाए। चलो बाबा को ये दिखाते हैं। हाँ भैया, हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों भाई खुशी खुशी अपने बाबा के पास पहुँचे। ये देखिए हमारी कमाई। बहुत अच्छे। और पता है पिताजी, हमने आपसे भी ज्यादा कमाया। भगवान करे तुम दोनों और मेहनत करो और इससे भी ज्यादा कमाओ। खुश रहो मेरे बच्चों। भुवल और धवल के चले जाने के बाद बरखा दीनदयाल के पास गई। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या सच में हमारे खेत में खजाना छिपा है? नहीं भाग्यवान, ये तरकीब थी रामकृष्ण की। उसने कहा था, सिर्फ धन की लालच ही मेरे निकम्मे बेटों को मेहनत के मार्ग पे ला सकती है, और वो बिल्कुल सही था। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण भैया का। अब उनकी बदौलत हमारा जीवन बदल गया और हमारे बेटे समझदार और मेहनती बन गए। दीनदयाल ने खजाने का लालच देकर अपने निकम्मे बेटों को मेहनत करना सिखाया और फिर भुवल और धवल मेहनत के मार्ग पे ही चलने लगे। इसीलिए कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।